हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो फिफ्थ सेमेस्टर में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्कैडा, इस बुक का नाम है। और इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे यही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है, इसका सिलेबस। तो पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्कैडा में इसका एक रिव्यू है, एक डिप्लोमा होल्डर के लिए क्या क्या ये इसके मतलब क्या एप्लीकेशन है, ये पहले एक प्रीफेस दिया हुआ है। और इसके बाद डिटेल कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पीएलसी, फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक्स, लिमिटेशन ऑफ रिलेज, एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएलसी मैन्युफैक्चरर, वर्किंग ऑफ पीएलसी, बेसिक ऑपरेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ पीएलसी, ये सब पूरा है इंट्रोडक्शन में। इसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, पीएलसी में कैसे इंस्ट्रक्शन सेट काम करता है, ये इसके बारे में प्रोग्रामिंग एक तरीके से होती है पूरा इसको बताया गया है। इसमें लैच, मास्टर कंट्रोल, सेल्फ होल्डिंग, रिले टाइम इंस्ट्रक्शंस, टाइमर इंस्ट्रक्शन लाइक रिटेंटिव टाइमर, रीसेटिंग ऑफ टाइमर्स, काउंटर इंस्ट्रक्शन लाइक अप काउंटर, रीसेटिंग ऑफ काउंटर, लैडर डायग्राम, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइमर काउंटर सीक्वेंस एंड कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन यूजिंग लैडर प्रोग्राम, ये सब दूसरे चैप्टर में आएंगे इंस्ट्रक्शन सेट में। तीसरा चैप्टर है माइक्रो कंट्रोलर सीरीज NCS 51। देखिए ये बहुत एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि UPPCL में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। इसमें पिन डिटेल्स, पिन डायग्राम पूरा इसका रहेगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रहेगा, इंस्ट्रक्चर, मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशियल फंक्शन इसके क्या क्या है माइक्रो कंट्रोलर के, कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे AC हो गया, पंखा हो गया, ठीक है। और जहाँ पे एक तरीके से सेल्फ काम करता है कोई मशीन हमारा, जो सेल्फ स्टार्टिंग होती है उसमें माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एड्रेसिंग मोड इसके क्या क्या है। हाँ, माइक्रो कंट्रोलर एक तरीके से जैसे माइक्रो प्रोसेसर का जितना फंक्शन है सेम उसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर काम करता है, ये मशीनों में प्रयोग किया जाता है। तो यही इसका पूरा है। सीरियल पोर्ट ऑपरेशन, इंटरप्ट क्या क्या है इसमें, ये सब आएंगे थर्ड चैप्टर में। और जो अगला चैप्टर है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इसमें असेंबलर का एंड कंपाइलर, असेंबलर डायरेक्टिव डिजाइन एंड इंटरफेस, एग्जांपल लाइक कीपैड इंटरफेस, 7 सेगमेंट इंटरफेस, LCD स्टेपर मोटर और A2D, D2A, RTC इंटरफेस, इंट्रोडक्शन ऑफ PIC माइक्रो कंट्रोलर, ये असेंबली प्रोग्रामिंग उसी का है, एक माइक्रो कंट्रोलर का ही है, बेसिक चीज़ है। और अभी मैं इसका बुक ले लिया हूँ, इसका बुक का भी रिव्यू मैं दे दूँगा, उसके बाद मैं इसका सिलेबस भी पूरा एक एक वीडियो करके मैं पूरा इसको कवर करा दूँगा। इसके बाद फिर जो पाँचवा चैप्टर है स्कैडा है, स्कैडा का इंट्रोडक्शन इसमें रहेगा। डिस्पैच सेंटर, ऑपरेशन कंसोल इसका क्या है, VDUS क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इन स्कैडा सिस्टम, RTU, MTU, ये सब क्या है देखेंगे अगले वाले वीडियोज में। डेटा लॉगर्स, रिपोर्ट जनरेशन, रिपोर्ट एनालिसिस एंड एक्शंस, ये 5 चैप्टर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये सब नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, इसमें इसका बहुत ज़्यादा ही प्रयोग होता है, इसलिए इसका इस सब्जेक्ट को लाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है दोस्तों। और इसमें इसके प्रैक्टिकल क्या क्या हैं, इतने प्रैक्टिकल हैं, 8 प्रैक्टिकल हैं इसमें, ठीक है। और इसका बुक के लिए इसमें माइग्रा हिल की एक बुक इन्होंने बोला है कि आप रिकमेंडेड की है, और मॉड्यूल ऑफ PLC एंड दियर एप्लीकेशन बाय राजेश कुमार के एक लेखक हैं और चंडीगढ़ के हैं, इन्होंने इनका बुक ले सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का आयाला, पेनराम इंटरनेशनल, ये कोई लेखक है, इनका बुक पढ़ सकते हैं। पावर सिस्टम स्कैडा के लिए स्मार्ट ग्रिड बाय मिनी एस थॉमस एंड जॉन डी
माइका डोनाल्ड, ये एक राइटर करके हैं, इनकी बुक आप रिकमेंडेड बुक हैं ये सब पढ़ने के लिए ये सब, ठीक है। तो इसका पीरियड वाइज क्या क्या है ये सब पूरा इसमें दिया हुआ है, कितने पीरियड पे कितने मार्क्स अलाटेड हैं। तो ये है एक ब्रीफ एनालिसिस थी PLC SCADA का, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 5th semester में ये इंट्रोड्यूस हुई है, और ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको और भी बहुत बेनिफिट होगा।